प्यारे साथियों, वंडर ट्रिप्स चैनल आज आपके लिए लाया है एक शानदार स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो। दोस्तों, जब मैं स्टेडियम में आता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ पे लोगों का जोश, किस ढंग से वो खेल रहे होते हैं, तो हमें वो दिन याद आ जाते हैं कि हम भी कभी ऐसे ही खेलते थे, आज भी खेलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उम्र के जो नंबर हैं वो थोड़े बढ़ गए हैं, अदरवाइज इस तरह के ग्राउंड में 10-10 किलोमीटर अल्टरनेट डे पे दौड़ना एक आदत सी बन गई थी। और उस आदत का फ़ायदा आज क्या मिलता है कि जो हमारा यंग ब्लड है वो थक जाता है, लेकिन बंदा ये खास नहीं थकता, क्योंकि उसके पीछे अनुभव है कितने सालों का, करीब करीब 40 से 50 साल का। तो दोस्तों, जब हम खेलते हैं, जिन दिनों हम 10 किलोमीटर दौड़ते थे और उसके बाद 2000-3000 मीटर की जब स्प्रिंट करते थे, तो ऐसा लगता था कि आप बादशाह हैं, बादशाह स्पोर्ट्स के, हेल्थ की, फिटनेस के। तो जब इस तरह की चीज़ आती थी, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो आज तक जज्बा हमारे अंदर मौजूद है। मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी भी गेम्स को अपने जीवन में अपनाएं। अगर आप गेम्स नहीं खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं, इससे एक पर्पज़ तो ये हो जाता है कि ठीक है, हम फिट हैं जी, क्यों खेलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कब तक? जब तक आप अपने आप को ठीक महसूस करते हैं। उम्र कम है, लेकिन जैसे उम्र ज़्यादा हो जाती है, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अच्छे अच्छे घुटने टेक जाते हैं। खेलने का शौक़ हमारे अंदर टीम स्पिरिट लाता है। अब देखिए, ये जो सामने टीम है, इन्हें 11-11 प्लेयर से मतलब नहीं है, हर आदमी खेलता है। कुछ धीरे धीरे खेलते हैं, कुछ शुरू से लेके आखिर तक ड्रिबलिंग करते हुए चलते हैं, फुटबॉल को लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या है? कुछ तो ये सोचते हैं कि क्या खेलना, थोड़ा सा स्लो खेल लें, लेकिन जो भरपूर दिल से खेलता है उसको नींद भी अच्छी आती है और वो बढ़िया तरह से अपना काम कर पाता है। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि आप ज़िंदगी की इस जंग को अच्छा स्पोर्ट्समैन, फिटनेस के लेवल को टॉप ग्रेड का लाते हुए तब आगे बढ़ें। और जब आप ऐसा करेंगे, तो बट नेचुरल है कि लाइफ में वो चीज़ आपकी पूरी लाइफ में काम आने वाली है। फिटेस्ट जितना रहेंगे, तो ये ज़माना आज की तारीख में फिटेस्ट के सर्वाइवल का है। जो फिट नहीं है, कंपटीशन से बाहर। रेस कौन दौड़ सकता है? रेस वो दौड़ सकता है जो केवल और केवल अपने आप को फिट रख सकता है। बीमार आदमी कभी रेस नहीं जीतता। तो दोस्तों, जो घूमते नहीं, जो एक्सरसाइज करते नहीं, जो स्पोर्ट्स को प्यार करते नहीं, वो बात कुछ अलग हो जाती है, उसमें वो मज़ा नहीं आता। तो अभी आप देख रहे हैं, मैं हेल्थ फिटनेस पे काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ। पर्पस सिर्फ ये रहता है कि मेरी वीडियो देख के अगर कुछ लोग भी जुड़ जाते हैं अपने खेल के मैदान से, अपनी फिटनेस के चैलेंज में, तो मज़ा आ जाएगा। आप योगा करें, रनिंग करें, या आप फुटबॉल खेलें, टेबल टेनिस खेलें, इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स, बस खेलते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ज़िंदगी में खेलों का महत्व इतना ज़बरदस्त है, फिटनेस लेवल पे तो है ही, उसके साथ साथ आप एक टीम भावना, टीम स्पिरिट को भी पूरा साथ देते हैं। दोस्तों, जब टीम में आप काम करने लगते हैं, तो आपके सारे काज संवर जाते हैं। ऊपर वाले का हाथ तो होता ही है जब आप मेडिटेशन करते हैं, लेकिन अब जब आप फिटनेस का ध्यान रखते हैं, रनिंग करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो समझ लो आप बहुत से लोगों से ऊपर हो जाते हैं। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि खेलने से ना चूकें, मैदान में उतर जाइए आज से ही, और कल के बाद कभी मना नहीं करना कि हमें नहीं खेलना। ये लॉन्ग टर्म में अपने को बेनिफिट्स देने वाला है। ऑल द बेस्ट टिल माई वीडियो। और अगर ये अच्छा लगा है दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।